तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल गए हो या फिर चेंज करने वाले हो या मतलब करना नहीं आता है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप लोग कैसे इजीली, अगर भूल भी गए हो पासवर्ड तो भी कोई टेंशन नहीं, अगर आपको चेंज करना है पासवर्ड तो भी भाई इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेना, क्योंकि मैं दोनों चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है नितिन सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नितिन के टेक वन में। तो को नहीं किया सब्सक्राइब, अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग चले जाना, ठीक है। यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना, ठीक है। और ओपन ऐप करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका जो आईडी होगी, ठीक है, जैसे कि मेरे ये आईडी है, और इसका अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है या आप लोग भूल चुके हो पासवर्ड और आपको पता करना है कि भाई कैसे करोगे, ठीक है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप पर आपको बताऊंगा कि अगर आपको चेंज करना है पासवर्ड तो कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर चले जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा 3 लाइन का ये वाला। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग जैसे ही चले जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन ये वाला। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, अकाउंट सेंटर का ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग चले जाना और जैसे यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट आपका जो है शो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला अकाउंट शो हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आपको क्लिक कर देना ये वाला, ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो और ये आपका जो अकाउंट है ये वाला, तो इसको आप लोग चूज़ कर लेना इस पर, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपका जो जीमेल या फ़ोन नंबर वगैरह आपका लगा होगा यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ से क्या करना, फॉरगेट कर देना, तो आपका जो जीमेल होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से एक लिंक पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड पता है और न्यू क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो आपका ओल्ड पासवर्ड है उसको यहाँ पर डाल देना है, और जो आप लोग नया पासवर्ड बनाना चाहते हो, ठीक है, उसको यहाँ पर दो बार आपको, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर आपको डाल देना है इस जगह पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। और इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोग कर देना चेंज पासवर्ड पर क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, ये भी आप अगर आपका जीमेल भी नहीं लगा हुआ है अकाउंट में तो आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ये 3 डॉट का ऑप्शन ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे जाओगे तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, यहाँ पर सेटिंग का ये वाला। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेटिंग पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, पासवर्ड मैनेजर का ये वाला, देख सकते हो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और तो इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारा जो अकाउंट है, ठीक है, आपको यहाँ पर पासवर्ड इन यहाँ पर मिलता है, ठीक है, जिस भी का आपको चाहिए हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अमेजोन इन का है, क्रिएटर स्टूडियो का है, और वगैरह वगैरह फेसबुक वगैरह, ठीक है, सारा पासवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो आपका सेव हुआ रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इंस्टाग्राम पर चले जाना, ये आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोग चले जाना और यहाँ पर आपका जो फिंगर वगैरह जो कोई पैटर्न हो वो डाल देना, और यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर देख सकते हो यूज़र नेम यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम आपका जिस जो भी आईडी है आप लोग यहाँ से देख लेना, ये आपका यूज़र नेम शो हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो पासवर्ड है, ठीक है, ये वाला ये जो पासवर्ड है इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पासवर्ड जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है 1 2 3 4 5 5 मेरे अकाउंट है, और पांचों अकाउंट के यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पासवर्ड जो है सेव है। तो यहाँ से आप लोग पासवर्ड इजीली पता कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हो यहाँ से पासवर्ड डाल के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया आए तो चैनल को ले सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।